मौसमी बीमारियों से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थाईलैंड मार्केट में आयुर्वेद विभाग की ओर से आयुर्वेद काढ़ा पिलाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों में काढ़ा पीने का उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान लोग कतारबद्ध रहे और काढ़ा सेवन किया। आयुर्वेद चिकित्सक ने बताया कि शुक्रवार को थाईलैंड मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी आने वाले और जाने वाले राहगीरों को काढ़ा पिलाया गया। कोरोना वायरस से जो भयभीत हैं सब लोग, उसी के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए और दूसरी सभी बीमारियां, इन्फ्लुएंजा वगैरह को रोकथाम के लिए, वायरस रोकने के लिए काढ़ा वितरण किया जा रहा है। आयुर्वेद में कोई एक रोग का नाम निश्चित करना जरूरी नहीं होता है, त्रिदोष थ्योरी है, त्रिदोष के आधार पर सारे निदान किए जाते हैं। तो हम इस कोरोना वायरस को भी वातश्लेष्मिक उल्मण सन्निपात जन्म लेते हैं, उसी के हिसाब से ये काढ़ा लगभग 50 जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और पिलाया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और वायरस से लड़ने की ताकत मनुष्य को पैदा होगी। ये आज थाईलैंड मार्केट में महावीर स्मारक सेवा समिति कालेड़ा कृष्ण गोपाल की तरफ से कोतवाली के सामने फैलाया जा रहा है। कल भी फैलाया जाएगा।